in this 6 days course, investigation course for graduate constables. लगभग जहां तक मुझे अनुमान है आपका ये चौथा बैच चला है, जो आज लगभग आपको मिलाकर 65 पुरुष और महिलाओं ने ये इन्वेस्टिगेशन पूर्ण किया है। और मुझे उम्मीद है कि पिछले 6 दिनों में आपने जो सीखा होगा, आपको लगता है कि आप जो पहली तारीख को यहाँ आए थे और अब 6 दिन हो गए, कुछ फर्क पड़ा? कितना फर्क पड़ा? 70% फर्क पड़ा। देखिए हम लोग क्या है, जोर से बोलिए, पुलिस। वी ऑल आर पुलिस पर्सनल, वी कैन से पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस डिपार्टमेंट में कॉन्स्टेबल से लेके ऊपर जितने भी रैंक्स हैं सबको क्या बोलते हैं? पुलिस ऑफिसर्स। और पुलिस ऑफिसर की जो निशानी है, अगर हम इसको शब्दों के आधार पर भी देखें, तो पी फॉर पोलाइट, ओ फॉर ओबिडेंट, एल स्टैंड फॉर लॉयल, आई फॉर इंटेलिजेंट, सी फॉर करेजियस, ई फॉर एफिशिएंट। ये क्वालिटी जब तक एक पुलिस कर्मचारी में नहीं आएगी, तब तक वो कंप्लीट आइडल पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता। जहां पोलाइट होने की जरूरत है वहां पोलाइट होना है, और जहां एफिशिएंट होने की जरूरत है वहां एफिशिएंट होना है, और जहां करेजियस साहसी, यस प्लीज, जहां साहसी होने की जरूरत है वहां पर साहसी होना है। जब तक ये सारी क्वालिटीज हमारे बीच में नहीं आएंगी, तब तक हमें पुलिस अफसर नहीं कहा जा सकता। आपको पता है हम 24 घंटे के लिए नौकरी करते हैं, और इवन हमारी जो अपनी छुट्टियां होती हैं हम उनको भी नहीं काट पाते, फिर भी आम जनता हमसे प्रसन्न होती है, नहीं होती है? नहीं। मैं ये नहीं कहता, हमारे विभाग में भी मात्र सिर्फ 10-15% ऐसे लोग हैं जो इनडिसिप्लिन हो सकते हैं, जिनकी वजह से हम 85% लोग भी बदनाम हो जाते हैं। कारण क्या है? चरित्र। जिसका चरित्र सही नहीं होगा, उसका फर्क ना उस पे बल्कि उसकी पूरी फैमिली पे, पूरे विभाग पे, पूरे प्रशासन पे पड़ता है। अपने विचारों को काबू में रखो, क्योंकि यही आपकी जुबान बनेंगे। अपनी जुबान को काबू में रखो, क्योंकि यही आपकी कर्म बनेंगे। अपने कर्मों को भी काबू में रखो, क्योंकि यही आपकी आदतें बनेंगे। और फिर अपनी आदतों को भी काबू में रखो, क्योंकि यही आपका चरित्र बनेगी। फिर अपने चरित्र को भी काबू में रखो, क्योंकि इसी से ही आपके भाग्य और भविष्य का निर्माण होगा। जिसका चरित्र अच्छा नहीं है वो जितना मर्जी पढ़ा लिखा है वो बेकार है। आपने वो गाना तो सुना होगा, सलमान खान का एक फिल्म का गाना है कि इश्क के नाम पे करते सब यहाँ रास लीला है, मैं करूं तो साला करैक्टर ढीला है। ठीक है, तो जो गलत करेगा उसका करैक्टर ढीला होगा ही होगा। हमारा करैक्टर हायर होना चाहिए। डिजाइन योर करैक्टर लाइक अ गार्डन, Never design your character like a garden where everyone can walk. Design your character like the sky where everyone wants desire to reach. अपने चरित्र को एक बाग की तरह मत बनाओ, जहां कोई भी आया, घूमा, थूका, ये वो किया और चला गया, जो सिखाया हमने सीख लिया। अपने करैक्टर को ऐसे बनाओ जैसे आसमान होता है, जहां हर कोई वहां पहुंचना चाहता है। तो शब्द ही है वो चीज जिससे कोई आदमी दिल में उतर जाता है और कोई आदमी दिल से उतर जाता है। अगर हम इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, देखिए कानून की शिक्षा एक अपनी जगह ठीक है, लेकिन एथिकली भी हमको स्ट्रांग होना है। नीति शास्त्र, आचार विचार,
हमको पब्लिक के साथ अच्छे एमिकेबल रिलेशन बनाने हैं, तब जाके हम एक कंप्लीट पुलिस ऑफिसर बनेंगे। और जहां भी जाए हम सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता का पालन करें, मतलब हमको प्रक्रिया का पता होना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं ये किस विधि से होगा। देखिए महाभारत आप सभी ने देखा है ना, महाभारत में जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान अब तक जो मैंने पूछा वो आपने बतलाया, अब क्या मुझे आप अपनी मर्जी से कोई संदेश देना चाहेंगे? बोलते हाँ अर्जुन, अगर तुम सुनना चाहते हो तो मेरा अंतिम उपदेश सुनो। सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं आपसे बाद में पूछूंगा मैंने क्या बोला, संस्कृत है मुझे भी नहीं आती। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण ब्रज, अह त्वा सर्व पापे भयो मोक्षी श्यामी माशुचा। सर्वधर्मान परित्यज्य ए अर्जुन, जो मैंने अब तक तुम्हें ज्ञान योग तप जो शिक्षा दी है सबको भूल जा। एक तरफ भगवान ने उसको पूरी ज्ञान दी, पूरा शिक्षा दी, अपना विशाल विशाल स्वरूप दिखाया, फिर लास्ट में क्या बोला, अब सब कुछ भूल जाओ, तुम मेरी शरण में ऐसे आओ जैसे एक कीचड़ में सना, एक खून में सना बच्चा माँ की शरण में आता है और माँ उसको नहत धुला कर साफ सुथरा कर देती है। तो मेरा भी आज इस कोर्स का आपके लिए अंतिम उपदेश तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो भगवान देते हैं, निवेदन है कि जो कुछ भी आपने यहां पे सीखा उसको अपने जीवन में अप्लाई करना और जरूरतमंद की सहायता करना, क्योंकि व्यक्ति दुखी व्यक्ति दो ही जगह पे जाता है, या पुलिस स्टेशन जाएगा और दूसरी जगह भगवान के मंदिर में। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई शिकायत करता आया है, महिला है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, उसकी बात को जरूर सुने। कार्रवाई होगी नहीं होगी वो बात की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लिसन हिम, उसकी प्रॉब्लम क्या है। मोस्टली क्या होता है, हम थाने में इतने व्यस्त होते हैं कि हम ऊपर देखते ही नहीं है कि सामने इस ग्रीवियस का कोई बंदा खड़ा है, उसको दुख क्या है। हाँ अभी आना, एक घंटे बाद आना, दो घंटे बाद आना, अगर हम अपना काम छोड़ के दो मिनट उसको सुन लेंगे उसे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। तो एथिकली भी हमको स्ट्रॉन्ग होना है, हमारा लोगों के साथ समाज के साथ अच्छे एमिकेबल रिलेशन होने चाहिए, और अपने सोर्सेस कायम करो। इलाके में हम जब जाते हैं तो लोगों के मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए, वार्ड मेंबर के, प्रधान के, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आपको कह दूं कि जब मैंने 2013 में इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू किया था, 6 महीने तक थाने में किसी को पता नहीं चला कि ये बंदा फ्रेशर है। आई बिहेव लाइक दैट आई नो एवरीथिंग। मैंने ऐसा शो किया कि जैसे मुझे सारा काम आता है, और मुझे इन्वेस्टिगेशन सीखने के लिए 4 से 5 महीने लगे। दालाघाट जिला ऊना हिमाचल प्रदेश में एक थाने में तो महिला कर्मचारी थी, अब भी वही है, हेड कांस्टेबल कमला, कमला मैडम, उन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेशन में ट्रेन किया। कहा कि संजीव जी जब भी आपको सीन ऑफ क्राइम में मेरी जरूरत पड़ेगी, आपने समय नहीं देखना, दिन का है रात का है, आपने मुझे सिर्फ कॉल करना है। बहुत हेल्प की। तो ऐसे ही मैं निवेदन करूंगा कि जो ज्ञान आपने इस कोर्स में पाया इसको भी आपने स्प्रेड करना है। किसी को साधारण चोट लगी हो, गाली गलौज का मसला है, आप गांव में जाते हैं, जान से मारने की धमकी है, कौन सी सेक्शन के तहत मुकदमा रजिस्टर करोगे भाई? जो से हाँ 341, 343, 523, 504, 506, एक से अधिक अपराधी हो तो सेक्शन कौन सी लगेगी? 34। जहां पे किसी को जान से मारने की धमकी की आशंका है वहां पेटी चलान कौन से सेक्शन में तैयार होगा? 160-50 CRPC। और आप मौके पे गए हैं, सीन ऑफ क्राइम पे हैं, और इमीडिएट शांति भंग होने की संभावना है, आपके सामने दोनों पार्टियां मारने के उतारू हैं, क्या करोगे? 107-51 CRPC।
जहां पे मौका अचल संपत्ति का है, पानी को लेकर विवाद है, वहां कलंदरा यानी कि पैटी चलान कौन सी सेक्शन में तैयार करोगे? लवली लवली, इट मीन्स कि आपने, आपको रिटन पेपर देने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आई अश्योर यू, यू ऑल आर पास। अभी आफ्टरनून में डीएसपी साहब आपका रिटन टेस्ट लेगी, एक घंटे का होगा, और 60 नंबर आपको, 60 में से 50% आपको चाहिए पास होने के लिए। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि आपके 60 में से 60 नंबर आने वाले हैं। जिस हिसाब से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो मेरी ये दुआ है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। यू ऑल आर लकीएस्ट, लकीएस्ट कांस्टेबल रैंक पे किसी को इन्वेस्टिगेशन मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सभी ग्रेजुएट हो। ये अन्वेषण अधिकारी बनने के लिए मिनिमम रैंक क्या था पहले? हेड कांस्टेबल, जैसे कि मैं हूं हेड कांस्टेबल संजीव कुंडी नंबर 80, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन पुलिस स्टेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ठीक है, अब माननीय डीजीपी साहब ने जो हमारी वर्क की ये पेंडेंसी बढ़ रही है, इसको कम करने के लिए ये निर्णय लिया कि क्यों ना हमारे पास इतने पढ़े लिखे ग्रेजुएट कांस्टेबल जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनको भी तफ्तीश सिखाई जाए। और ये बहुत अच्छा कदम है, और हमारे जिला में हमारे एसपी साहब श्री अशोक जी, वो पहले ही इतने ब्रॉड माइंडेड हैं कि नाना प्रकार के कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं, तो हमने इन कोर्सेज का फायदा उठाना है। आपको मजा आया सभी को ये कोर्स करके? गुड, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।